चलिए बच्चों, कक्षा छह में हम लोग गणित का अध्ययन कर लिए हैं। उसमें हमने प्रश्न नंबर 27 जो है आपको जो है भेजा था, और आपको ये भी बताया था कि आप करके जो उसे बताएं, लेकिन आपने जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो हमने सोचा कि आप भी इस प्रश्न को हल नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमने जो है प्रश्न नंबर 27 को फिर से एक बार ब्लैक बोर्ड पर जो है अंकित किया है, यानी लिखा है, और उसको जो है हमने भरने का प्रयास करके आपको बताएंगे कैसे करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा इस प्रश्न को देखें, इस प्रश्न में देखें ये जो आपका वृत्त है, वृत्त में ये जो है खांचे बने हैं, इन खांचों को देखें। यहां पर क्या है भाई, दो है, यहां पर छह है, यहां पर तीन है तो यहां पर नौ है, यहां पर एक है तो यहां पर तीन है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दो तिहाई छह, तीन त्रि के नौ, एक तिहाई तीन, तो चार तिहाई कितना होगा प्यारे बच्चों, 12। चार तिहाई कितना होगा, 12। तो यहां पर आप क्या भरेंगे, 12। ये आपका उत्तर हो गया, यानी आंसर जो देंगे आंसर में क्या लिखेंगे भाई, 12। केवल आपको ये जानना चाहिए कि आमने सामने की संख्याओं में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इसको अगर बात करें इसमें तो गुणे का निशान लगेगा, इसमें गुणा हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये नहीं कि इसमें गुणा हुआ है तो इसमें भी गुणा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पहचानना है कि जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है, तो आपको पहचान करके करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये पांच और तीन कितना होता है, आठ होता है, सात और एक कितना होगा, आठ होगा, चार और ये छह और दो कितना होगा, आठ होगा। तो चार में क्या जोड़े कि यहां पर हो जाए आठ, तो चार और इसको मिलाकर आठ होना चाहिए, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, चार, यानी चार और चार कितना हो जाएगा, आठ। यानी इस प्रकार से आप इस कॉलम को भर लेंगे, आराम से आप इस प्रश्न को हल कर ले। और हमको जो है कॉपी पर भी आपको जो पूरा करना है, इसलिए हमने जो आपको जो है बताया है, ताकि आप जो है इसे प्रश्न को छोड़े ना, और अगले प्रश्न के बारे में आप ध्यान से देखें। अगले प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे 35 नंबर प्रश्न है, एक आदमी की आय जो है 5,650 रुपया है, वह अपनी आय का 25% बचत करता है, यानी बचाता है, तो कितना बचा पाएगा। हम प्रश्न नंबर 35 के बारे में आप पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 35 में लिखा है कि एक आदमी की आय जो है 5,650 रुपए है और 25% बचत करता है, तो बचत की राशि, यानी बचत हम लिख देते हैं, बचत की राशि क्या होगी भाई, ये जो है 5,650 लिखेंगे और का कितने परसेंट है, 25% है भाई, तो का मतलब होता है गुणा, और ये जो है 5,650 लिख दिए और गुणा का निशान 25/100 क्या लिखेंगे, 100। देखिएगा पहले तो ये 25 4 100 चार जाएगा, चार से इसको डिवाइड कर दीजिए, चार एक कम चार, चार चौको 16, और चार से कटेंगे तो एक बार जाएगा, चार दुनी आठ, 10 मिलाओ क्या हो जाएगा, 2 5, ये जो भाग देना है, 5 एकम 5, 5 4 4 4 एकम 4 4 4 16, 4 एकम 4 हो गया, एक बचेगा 0, 4 2 8 और 4 5 क्या हो जाएगा, 20, इतने रुपए उसकी बचत हो जाएगी। यानी इस प्रकार से 1,412.50, यानी 5 0 इधर 0 बढ़ा देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने रुपए की क्या करता है, बचत करता है, इतना रुपया हुआ क्या करेगा, बचाएगा। अच्छा आगे देखिए 36 सवाल नंबर 36 है, एक साइकिल का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, यदि उसमें 1000 रुपया 1200 रुपया है और उसको 1000 रुपये में बेचता है, क्या करता है, बेचता है। तो ध्यान से देखें प्रश्न नंबर 36 को, 36 को हम लगा भी दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न नंबर 36 है, क्रय मूल्य जो है 1200 है, विक्रय मूल्य क्या है भाई, विक्रय मूल्य जो है आपका 1000 रुपया है। तो ध्यान से देखें, क्रय मूल्य अगर अधिक हो और विक्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य यदि कम है तो क्या होगा, हानि, क्या होगा भाई, हानि, ये आपकी हानि हो गई। अब हानि बराबर क्या होता है,
विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई 1200 और विक्रय मूल्य क्या है 1000, घटा देंगे तो 200 रुपया क्या हो जाएगा हानि। अगर हानि परसेंट पूछता तो हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में हल करते, लेकिन हानि परसेंट के बारे में पूछा नहीं है। अब प्रेम ने एक कार जो है 1,75,000 रुपए में खरीदी तथा 50,000 यानी 5,000 लाभ के साथ उसे बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। अब जो विक्रय मूल्य पर आधारित सवाल है तो अब जो है थोड़ा सा आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित जो आपके लिए जो है जो बनाया गया सूत्र है, उस सूत्र का आप जो कक्षा 5 की किताब से अध्ययन कर लें और अध्ययन करके जो है इन प्रश्नों को हल करें। कम से कम आप जो है इन प्रश्नों में से कम आप हल कर दें कहां तक कि 42 तक। ये जो है प्रश्न संख्या 35 से 42 तक के प्रश्न यानी प्रश्नों को हल करें ठीक है। आगे की वीडियो में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, जो आएगा उसके सामने आपको बताएंगे, लेकिन इतना प्रश्न जो है जरूर हल करके जो हमें बताएं। धन्यवाद।